हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप अपने नॉर्मल इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग टेस्ट पोर्ट्रेट के अंदर। और इस इमेज को क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ में लेके आना पड़ेगा फोटोशॉप का एक फीचर है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मैप। तो अगर तो आपने पहले ये कभी यूज़ नहीं किया तो आज आपको पता चल जाएगा कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज ओपन कर रखी है। तो अगर आपको यूज़ करनी है ये वाली इमेज, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अब उस लिंक पे क्लिक करके फ्री पिक से फ्री में ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो हमें ये वाला इफेक्ट क्रिएट करने के लिए अब हमें सबसे पहले जो स्टेप है हमारा, वो ये होगा कि हमें इस इमेज को तैयार करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए। तो कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्लैक एंड वाइट के अंदर। तो अलग अलग स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिंपल स्टेप यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करना है। उससे होगा क्या, ये इमेज डी सेचुरेट हो जाएगी। मैं वैसे दिखाता हूँ आपको कहाँ पर आता है ये। मैं तो वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं हम इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर, और यहाँ पर आता है हमारा डी सेचुरेट। शॉर्टकट की हमारा शिफ्ट कंट्रोल यू है, क्लिक कर देते हैं। अब जैसे कि हमारे देख सकते हो, बैकग्राउंड जो हमारा लेयर है वो हमारा ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को थोड़ा सा हाईलाइट देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे यूज़ करते हैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर और देते हैं कर्व। उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को करते हैं डाउन और इस पॉइंट को थोड़ा सा करते हैं हाई, कुछ इस तरह से, देन क्लोज। अब इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे दोनों को, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई। उससे क्या होगा, इन दोनों लेयर की, ये दोनों लेयर मर्ज होकर एक न्यू लेयर क्रिएट कर देगी, लेयर वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर के अंदर यूज़ करेंगे, फिल्टर के अंदर गए, ब्लर के अंदर गए, गॉशियन ब्लर, और यहाँ पे मैं अराउंड 12 पिक्सल का ब्लर ले रहा हूँ, देन ओके। अब ये हमारा स्टेप हो चुका तैयार। अब हमें इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। सेव नॉर्मली सेव करेंगे फोटोशॉप फाइल के अंदर, फाइल के अंदर गए, सेव एज के अंदर गए, और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के अंदर, अब कहीं भी कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप के अंदर कर रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी एक बार सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको ओवरराइड कर देता हूँ। तो अब हमने इसको कर लिया है सेव और डिस्प्लेसमेंट मैप के अंदर कर लिया है तैयार। इसको हम थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, जो हमारा टेस्ट है, वो तैयार करना, और उसके लिए मैं हेल्प ले रहा हूँ एक वेबसाइट की, ठीक है। और आप देखिए उस वेबसाइट को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेयर वन को करते हैं डिलीट, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, और जाते हैं वेबसाइट के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, ठीक है। इसका नाम है वर्ल्ड क्लाउड, ठीक है, वर्ड क्लाउड नाम है इसका, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन है, यहाँ पे हम अपना कस्टम टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो अपने बारे में जैसा कुछ भी, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो। वह मैं यहाँ पे सिंपल यूज़ कर रहा हूँ डिफॉल्ट जो हमारे वेबसाइट देती है। यहाँ पे हम 5 की जगह करेंगे 2, हमें सिर्फ दो ही चाहिए, हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या वर्टिकल या लैंडस्केप, मैंने दोनों में गलत बोल दिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या फिर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दोनों बातें की है, हम यहाँ पे सिर्फ दो ही यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है ओरिएंटेशन फ्रॉम, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 0 और यहाँ पे करेंगे 90, ठीक है, काफ़ी है। उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करके रेक्टेंगुलर पे क्लिक करना है, तो हमारा टेस्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे गो कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अलग अलग उसमें दिखाया कि कैसे आप यहाँ पे जो वर्ड है क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं ये काफ़ी अच्छा है, ले रहा हूँ उसको। उसके बाद डाउनलोड करेंगे SVG फाइल के अंदर, और मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और मैं इसी में स्वैप कर रहा हूँ, सॉरी ओवरराइट कर रहा हूँ। अब वापस चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। अब कंट्रोल ओ से वो SVG फाइल को हम करेंगे ओपन, ओके। तो ये हमारी वो फाइल ओपन होगी जो हमने अभी क्रिएट करी है वेबसाइट से। अब इसको हमें करना पड़ेगा प्योर वाइट। तो वाइट करने के लिए क्या करेंगे, न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे गए, लेवल्स के अंदर गए, और इसको इधर शिफ्ट कर दें बस, कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल ई, और यहाँ पे हम लेके आएंगे इसको अपनी मेन लेयर के अंदर, ठीक है। बट इसको सेट करने से पहले हमें अपनी जो इमेज है इसको कट करना पड़ेगा बैकग्राउंड से, तो हम कट कर देते हैं यहाँ पर।
ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज को कट कर देंगे कंट्रोल। उससे पहले लेते हैं फैदर, शिफ्ट F6 हमारा शॉर्टकट किया। मैं यहाँ पे वन फैदर ले रहा हूँ सिर्फ 1 पिक्सल का। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल J और इसको कर देते हैं हाइड, तो जो हमारी कट इमेज आ गई। ठीक है, और हम यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे और फिल कर देंगे ब्लैक कलर से। अब हम अपना जो हमारे जो वर्ड था उसको लेके आएंगे। ठीक है, अब इसको हम सेट करते हैं अपने इमेज के ऊपर। तो आपको कुछ इस तरह सेट करना है, यहाँ पे सिर्फ छोटा कर दीजिए तो कि ओवरलैप लगे, इमेज बिल्कुल इन वर्ड से भर जाए। एंटर, यहाँ पे हम बार बार डुप्लीकेट यूज़ करेंगे Ctrl J, और यहाँ पे डुप्लीकेट यूज़ करते हैं Ctrl T, इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे, और हम उसको ओवरलैप भी कर सकते हैं, हम टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, Ctrl J ना करते हुए आप Alt के साथ, ठीक है, जब Alt प्रेस करोगे तो आपका ऐसा आइकन आएगा, और अपनी सिर्फ इमेज को जो हमारा लेयर है उसको क्लिक करके आप सिर्फ ड्रैग करें तो आपकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। Ctrl T के साथ रिलोटेट करें, तो ऐसे ही करते हुए आपको पूरी इमेज को भर देना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया है, जो हमारे यहाँ पे वर्ड फाइल थी हमने उसको एडजस्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो हमारी लेयर वन थी उस पर क्लिक करें, और यहाँ पे हम देते हैं इफेक्ट ड्रॉप शैडो का। तो यहाँ पे ये हम पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद डुप्लीट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, बट मैं करना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे अप कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको ड्रॉप शैडो कह देंगे, एंगल करते हैं 90 डिग्री, और बाकी हमारा 80% ही रहेगा, तो कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक लेने के बाद 80%, 10% और 5%, ओके एंड देन ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे करेंगे कॉपी लेयर स्टाइल, और सबके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो आप ये बात पहले भी कर सकते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, बट अब मैंने भूल गया तो वो करना पड़ेगा। तो आप मेरी जैसी गलती ना करें, पहले ही ड्रॉप शैडो यूज़ कर लें। ठीक है, अब हमें यह करना पड़ेगा जो हमारी जो सारी लेयर्स है, जो हमारे टेस्ट की लेयर है, उनको सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टॉप वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे के, और जो हमारे लेयर वन है वो लेवल्स वन है, उस पर शिफ्ट के साथ क्लिक करना है तो हमारी सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर कार्य करेंगे Ctrl E, कंट्रोल ई से हम कर देंगे मर्ज, हमारे सारे लेयर यहाँ पर मर्ज हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना डिस्प्लेसमेंट मैप। उसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इस इमेज लेयर को कन्वर्ट करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम गए राइट क्लिक किया, ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैप को यूज़ करेंगे। तो लेयर जो हमारी ये है, मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ उसको, हमारा बर्ड्स। तो मैं यहाँ पे बर्ड्स वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देन हम आगे फिल्टर के अंदर, फिल्टर के अंदर आने के बाद रिसोर्स के अंदर आता है हमारा डिस्प्लेस। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप है। अब यहाँ पर 10 और 10 हम दे देंगे, स्ट्रेच टू फिट है हमारा, और रिपीट एज पिक्सल से है। देन ओके, ओके करने के बाद जहाँ पर भी आपने स्टार्टिंग में वो फाइल अपनी PNG फाइल डिस्प्लेसमेंट मैप वाली सेव की है, सिर्फ वहीं पर आपको उसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, आप देखोगे यहाँ पे कुछ वेव्स आ गई है। ये क्या किया इसने, अंदर शेडो वाले पार्ट में ये चली गई है थोड़ी नीचे अंदर की तरफ, और जो हाईलाइट पार्ट था वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया है। तो जैसे आप इसको या हमारे डिस्प्लेसमेंट मैप को ओपन करोगे, ये एक बिल्कुल
नॉर्मल लग रही है, और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ज़्यादा से आपको डिटेल यहाँ पे नोटिस होगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहते हो कि आपका जो अमाउंट है वो ठीक नहीं आया है तो आप दोबारा ऐसे कर सकते हो, डबल क्लिक करें, ठीक है। वापस से यहाँ पे हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने किया 13 और यहाँ पे किया 13, देन ओके। वापस से डिस्प्लेसमेंट बार वाली फाइल ओपन करेंगे और ये क्या करेगा, थोड़ा सा और डेप्थ में चले आएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा अब स्टेप है, लास्ट स्टेप है, जो हमारा वर्ड वाली फाइल पे कंट्रोल और थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिपीट सिलेक्शन हमारा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लेयर वन है उस पर क्लिक करते हैं, लेयर वन को सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे मास्क। तो यहाँ पे मास्क खेलने के बाद हम क्या करेंगे, जो वर्ड वाली फाइल है तो हम करते हैं हाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर ये वाला इफेक्ट आ चुका है, तो यहाँ पर लेयर मास्क लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली फाइल के ऊपर कर्व वाली फाइल के ऊपर क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई प्रेस करें, ठीक है। वापस से हमारे सभी लेयर मर्ज होने के बाद एक न्यू लेयर पे आएगी। अब हमें लेयर 3 को वर्ड वाले फाइल के ऊपर लेके आना पड़ेगा, देन हम यहाँ पे शो कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है अभी। और अब टाइम है यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड यूज़ करने का, तो इसको करिए ऑन, मतलब यहाँ पे हमें इसको शो होनी चाहिए। तो लेयर 3 को सिलेक्ट करें और यहाँ पे नॉर्मल से जो हमारा ब्लेंडिंग मोड है नॉर्मल से हम करेंगे लीनियर बर्न। तो जैसे हम लीनियर बर्न करेंगे और ये हमारा जो इफेक्ट है वो हो गया रेडी कुछ इस तरह से। हम यहाँ पे एक डिटेल और दे सकते हैं कि जो हमारी सब्जेक्ट है उसकी जो हमारी आईज है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ी और विजिबल हो जाए, या फिर आप अपने लिप्स भी विजिबल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आईज उसको मैं यहाँ पे विजिबल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है, जो हमारी बैकअप लेयर है, उसको कंट्रोल जे करें, डुप्लीकेट लेके आए, सबसे ऊपर रखें, ठीक है। यहाँ पे इसको लेते हैं मास्क के अंदर, इसको शो कर देते हैं और कंट्रोल आई मास्क के ऊपर कंट्रोल आई करना है, इन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है अपना ब्रश और सिर्फ अपने आईज के अंदर इसी उसको शो करना है। तो यहाँ पे आप लेते हैं बिल्कुल वाइट, यहाँ पे ब्रश हम लेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस कर देते हैं 50%, देन सब कुछ ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे हमें इस ये आईज जो है उसको विजिबल करनी है, तो लगभग हमारा इफेक्ट हो चुका तैयार। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इफेक्ट देने के लिए, ओवरऑल सबके ऊपर इफेक्ट देने के लिए एक ट्रिक यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम गए सॉलिड कलर के अंदर और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू एक कुछ विंटेज टाइप का इफेक्ट देना चाहता हूँ, देन ओके। उसके बाद इसको तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करें, यहाँ पर हम करेंगे एक्सक्लूजन और हम यहाँ पे इफेक्ट थोड़ा सा कम कर देंगे तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। तो गाइस हमारी इमेज हो चुकी है रेडी, तो आप भी ऐसे ही यूज़ करके अपनी नॉर्मल इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग टेस्ट पोर्ट्रेट के अंदर, जैसे मैंने अभी किया। तो अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल आप कर सकते हैं सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रही। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।